vidyasha please note yatindra mishra and vidyasha would be available for book signing post the event you could get your books and sign them at the book signing tent thank you so much namaskar uh, सबसे पहले तो बड़ी खुशी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जे के 10 साल हो गए हैं ऐसे लग रहा है कुछ एनिवर्सरी एडिशन है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बातचीत करने का मौका मिल रहा है जब मैंने सेशन का टाइटल पढ़ा पहले मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई लेकिन जब मैंने देखा कि पैनलिस्ट कौन है तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गई कि <laughs> जहाँ तक सुर साहित्य और उस पर लेखन की बातचीत है मैं अपने आप को सुर वाले साइड में देखती हूँ मृणाल जी और आ, मेरा ख़्याल में मेरी अपनी इंटरेस्ट ज़्यादा जो है आ, कुछ सालों से उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि जो महिलाओं ने ये सिलसिला शुरू किया ख़ास कर कि जब टेक्नोलॉजी संगीत की दुनिया में आई ग्रामोफोन के द्वारा तो उसमें महिलाओं का एक खास ही रोल रहा और बहुत सी महिलाओं ने रिकॉर्ड किया तरह तरह के गाने रिकॉर्ड किए और थोड़ा सा ये शायद क्लीशेड भी लग सकता है कि मैं महिला हूँ तो मुझे इंटरेस्ट है उनके उनकी लाइफ हिस्ट्रीज़ में लेकिन ये सच बात है क्योंकि जो हमारी गायकी है जो सीना बसीना तालीम का एक तरीका है उसमें जिस तरह से तालीम आ, अलग अलग समय में हिस्टोरिकली दी गई है गुरु-शिष्य परंपरा के तहत उसमें ये कड़ी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है दिलचस्प लगती है कि किस तरह से संगीत को इस ओरल ट्रेडिशन में निभाया गया है बरकरार रखा गया है और क्योंकि अक्सर आजकल जो है इसके फ्यूचर के बारे में बात होती है कि क्या होने वाला है इसका या क्या है इसका क्या लोग इसमें अभी भी इंटरेस्टेड है वगैरह वगैरह लेकिन जो ये एक क्रिटिकल टाइम रहा है बीसवीं सदी की शुरुआत का इसमें बहुत कुछ हुआ जिसमें जिसमें से आ, संगीत और परफॉर्मेंस शैली पर काफ़ी असर पड़ा है तो आ, मुझे खुशी है कि उसके चलते ये किताब निकली जिसका नाम जलसा है और इसमें जो शुरुआती तौर शुरुआती दौर रहा, रहा बीसवीं सदी का जिसमें ग्रामोफोन पर भाइयों ने गाया उसमें कुछ जो कम जिनके नाम सुने गए हमने कोशिश की कि उस उस एक प्रक्रिया के बारे में थोड़ा लिखा जाए और क्यों ये मार्केट जिस तरह से बनी उस समय उसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने इस किताब के द्वारा चर्चा करने की कोशिश की है आप अपने यतीम ने यतीन अभी अभी लता मंगेशकर के ऊपर एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत वृद्दाकार किताब लिखी है आ, वैसे तो लता मंगेशकर पर अभी एक अंग्रेज़ी की किताब भी आई है पर मुझे लगता है हिंदुस्तानी संगीत के बारे में बिना उस जुबान में लिखे काम नहीं चल सकता है जिस जुबान में वो तैयार होता है तो इसलिए मुझे इसको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आया और बहुत सारी मालूम हासिल हुई अब यतीन खुद थोड़ा उस पर चर्चा करें फिर मैं बात पकड़ती हूँ धन्यवाद मृणाल जी मैं क्या बोलूँ हाँ एक लता जी पर जो किताब लिखी है वो लता सुरगाथा है और मुझे लगता है कि भारत में और ख़ास करके संगीत के जो महानुभाव हैं जो विभूतियाँ हैं उनकी गाथा ही गाई जा सकती है उनका काम जैसा है और खास करके जो उनकी संगीत यात्रा है खुद मृणाल जी की किताब है स्त्रियों के कंठ में जो संगीत है और किस तरीके से पूरा इम्प्रोवाइज हुआ है और एक नवाचार के बाद हमें संगीत मिला शास्त्रीय संगीत मुझे सिनेमा संगीत में ये बात हमेशा बहुत लुभावनी लगती रही कि कैसे तमाम तरह के प्रभावों को चाहे वो लोक संगीत है चाहे वो शास्त्रीय संगीत है उपशास्त्रीय संगीत है एक म्यूज़िक डायरेक्टर राजस्थान से है तो वो अपने यहाँ का फोक एलिमेंट लेके जाता है कोई म्यूज़िक डायरेक्टर गुजरात में बैठा है या जो एक पूरा एक एक उनका एक समूह है जो एक पूरा वृंद वाद्य बनाता है उसमें बजाने वाला नासिक का है नाल वाला आ, कहीं का है मध्य प्रदेश का है बनारस का सारंगिया है म्यूजिशियन उसका गुजराती है गायिका उसकी मराठी स्त्री है और गा रहे हैं सब हिंदुस्तानी ज़ुबान में और बन रहा है एक संगीत तो वो मुझे बहुत हॉन्ट करता था और मुझे लगता था कि लता जी को एक एज ए केस स्टडी मैंने किया कि अगर लता मंगेशकर जी की यात्रा को देखा जाए क्योंकि मैं उनका एक अतिरेकी प्रशंसक हूँ अतिरेकी शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब फिल्म संगीत की बात आती है तो मैं तमाम लोगों को सुनता हूँ तमाम प्रभावों को सुनता हूँ लेकिन जब उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ करने का रास्ता खुलता है मेरे लिए कुछ आ, ऐसे आ, मतलब ऐसे मौके पैदा होते हैं जहाँ मैं अपनी बात कह सकता हूँ और जिस बात को शुरू किया विद्या जी ने कि सच बात है कि भारतीय संगीत को वो चाहे वो शास्त्रीय संगीत है या वो घरानेदारी का संगीत है और मठ मंदिरों में बैठ कर के गाया जा रहा है उसमें ये जरूर देखना होगा कि उसके परिवर्तन उसके प्रभाव उन सारी परिस्थितियों में उस किन समयों में कैसे डेवलप हुए और कैसे एक दूसरे में सबका अंतरविलियन हो रहा है कैसे वो परतदार बन रहे हैं और इसकी बहुत सुंदर पड़ताल मृणाल जी ने की है तो मैं कहता हूँ कि अब वो बात उठाएं अच्छा देखिए बात इन्होंने की सुर से कहा कि मैं सुर की तरफ हूँ अच्छा फिर ये सुर गाथा पर ले आए सुर के बारे में इन्होंने जो लिखा है सुर है क्या छोटी सी डेफिनेशन है स्वभाषते स्वर जो अपनी रोशनी से चमकता रहता है वही सुर है तो जैसे कहते हैं आह क्या सच्चा सुर लगाया है अब आप उसको पुराने स्केल में कि इतनी श्रुति श्रुतियों वाला ये है इतनी श्रुति का ये गंधार है या इतनी ये तीव्र का मध्यम है कि मध्यम का कौन सा प्रकार है ये सब गिनना नहीं होता है जब रस बहता है तो उस वक्त जैसे हमारे एक, मेरे एक मित्र कहते थे कि जिस वक्त संगीत का रस बहता है उस वक्त उसकी एनालिसिस करना वैसे ही है जैसे कि सदर बाज़ार की रबड़ी की केमिकल एनालिसिस <laughs> तो इसलिए मुझे लगता है कि हमको केमिकल एनालिसिस से हट जाना चाहिए तो अस स्टार्ट विद अ वेरी ब्रीफ लिस्ट मैंने बनाई है एक मिथ बस्टिंग संगीत के बारे में क्या लोगों के दिमाग में मिथ है पहली तो ये चीज़ है कि सुर जो हैं वो अटल हैं और सामगान से निकले हैं वेदों से निकले हैं और हमारे ही हैं और किसी ने हमको न दिए न हमने किसी को छूने दिया है ये बात एकदम सिरे से गलत है बहुत पहले सदियों पहले एक मुनि हो गए थे उनका नाम था कौत्स उन्होंने वेदों को लेकर बड़ी मज़ेदार बात पूछी थी कि अगर वेद अपौरुषय यानी मनुष्य के द्वारा रचे हुए नहीं हैं और अगर वो इतने पवित्र ग्रंथ हैं तो फिर उनमें अर्थ कैसे क्या ढूंढना? अगर वो देवताओं ने रचे हैं देवताओं के लिए रचे हैं और उनको हम सिर्फ मंत्र की तरह पढ़ सकते हैं तो फिर हम मॉडल्स हाउ shall we mortals लुक फॉर मीनिंग इन बुक्स विच आर सेट टू बी क्रिएटेड by गॉड्स इन विच नो वर्ड कैन बी मूव्ड नो नोट कैन बी मूव्ड एक बात दूसरी चीज़ बचपन से सुनते आए थे कि हमारे गाने की जड़ें साम गायन में हैं सामवेद अगेन द मिथ इज बस्ट सामवेद इज सेट टू बी अगेन अ दृष्ट मंत्र मंत्र इज अ सीन नॉट क्रिएटेड बाय मैन अगेन दे आर वेरी सेट यू कैन ओनली सिंग दैम इन अ सर्टन क्रम एक क्रम से आप गा सकते हैं उदात तो अनुदात तो स्वरित उदात तो अनुदात तो स्वरित उससे आप इतना भी नहीं भटक सकते हैं अग्नि मिले पुरोहितम की जगह वहनी मिले पुरोहितम भी नहीं कह सकते हालांकि अग्नि और वहनी दोनों का अर्थ एक ही है तो इसलिए साहब शाम को भी छोड़ दीजिए क्योंकि शाम से संगीत नहीं निकलता है संगीत हमारे यहाँ आया जब शैव मत आया शैव मत के साथ ताल का कॉन्सेप्ट आया ताल के साथ छंद का कॉन्सेप्ट आया छंद के साथ सुरों से खेलने का कॉन्सेप्ट आया जब तक ताल नहीं बजेगी आप खेलेंगे कैसे है ना तो इसलिए जब सुर आए सुर जो बेचारे बिल्कुल सिकड़े हुए वे सामवेद में बैठे हुए थे ब्रह्मा की दृष्टि से गुथे हुए और पंडितों के द्वारा सिर्फ समिधा लेकर के ब्राह्मणों के द्वारा प्रकाशित उनको अचानक शिव ने आकर के तांडव नृत्य करके जो कर्ण उन्होंने जो करण बनाए और जो उन्होंने परण बनाए और जो शुरू हुआ तांडव और लासिका सिलसिला तो ऑल ओवर सडन म्यूजिक बिकेम अवेलेबल एज समथिंग टू बी एक्सपेरिमेंटेड विथ देन इट बिकेम ह्यूमन एंड ह्यूमेन टिल देन इट वॉज समथिंग टू बी पुट ऑन अ पेडस्टल एंड वर्शिप्ट सो म्यूजिक वॉज ह्यूमनाइज और ये ह्यूमनाइज कैसे हुआ क्योंकि शिव के साथ उनकी पूरी तंत्र मंत्र बाण रावण चंडी शिवरिंगी जितने भी उनके थे दे वर ऑल ट्राइबल्स एंड पीपल फ्राम अंडरग्राउंड पीपल बिलोंगिंग टू माई जर्नलाइज कास्ट दे ऑल केम एंड दे ब्रॉड दर ब्यूटिफुल ट्रेडिशंस सो संगीत की जड़ जो है वो लोक में है आप किसी कुम्हार से कह सकते हैं मेरे लिए नया घड़ा बना दो आप किसी बढ़ई से कह सकते हैं मेरे लिए एक चारपाई बना दो लेकिन आप किसी गायक से नहीं कह सकते हैं कि मेरे लिए एक नया स्वर बना दो तो सबको खेलने की स्वतंत्रता जो है वो शैव मत के साथ आई बुद्धिस्ट और जैन स्ट्रिक्चर्स जितना मैं अध्ययन कर पाई हूँ मैंने देखा कि दे फ्राउन ऑन म्यूज़िक क्योंकि म्यूज़िक स्वच्छंदता को बढ़ावा देता है जो भी चीज़ आदमी को उद्धत बनाती है खिलवाड़ भरा बदमाश बनाती है उससे धर्म बहुत डरते हैं और इसलिए संगीत वर्ज होता है आप शांत रस में विलीन हो जाइए बाक़ी आठ रस खबरदार तो एक मिथ ये भी है तो इसके बाद फिर आता है रागदारी संगीत जिसका जिक्र ये कर रही हैं और जिसके बारे में टेलेंट के बारे में यतीन्द्र की किताब है रागदारी संगीत का ये है कि हमारे यहाँ जो इतना सब कहा जाता है जो विलियम जोन्स का सत्रह का ट्रैक्ट है द रिलीजस म्यूजिक ऑफ हिन्दूज़ वो गावेज है क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी में बैठ कर के वो तैयार किया या कराया है और उन्होंने किसी भी गायक से जा कर के नहीं दरियाफ़त किया कि तुम क्या गाते हो बेटा क्या बजाते हो उन्होंने कहा दत्तिल में दत्तिलम में ये लिखा हुआ है और फ़लाने में ये लिखा हुआ है और संगीत रत्नाकर में ये लिखा हुआ है लेकिन क्या वो म्यूज़िक उनके समय में अवेलेबल था जितने साक्ष्य मिलते हैं उनके समय में भी ये म्यूज़िक नहीं था क्योंकि जब बात को अर्ली लेट अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में uh, दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी ने जाकर के बंदिशत जमा करनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि उस्तादों के पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी ग्राम जाति गायन क्या था हम लोग भी जब सीख रहे थे तो कहा जाता था कि हमारा आर्श जो था वेदों से निकला और फिर ग्राम जाति गायन में समाहित हुआ ग्राम जाति गायन से रागदारी निकला पर भैया बताओ तो सही ग्राम जाति गायन होता कैसे था और संगीत में तो हर चीज़ प्रमाण है तुम गा के बताओ हमको अगर कोमल गंधार है तो गा के बताओ ये वाला गंधार कौन सा तुम गा रहे हो लेकिन न कोई रिकॉर्डिंग थी उस जमाने में एंड हॉर ऑफ हॉरर्स वी हैव नो रिटन हिस्ट्री और रिटन टेक्स्ट्स और इवन रिटन नोटेशंस टिल द नाइनटीन सेंचुरी ब्रिटिश लोग जब आए बड़ौदा सयाजी राव के दरबार में तो एक मिस्टर फ्रेडलिस थे बैंड मास्टर उनको म्यूज़िक बैंड मास्टर थे उनको म्यूज़िक का शौक था ही वॉज अ रशन ज्यू बेसिकली एंड ही टोल्ड महाराजा सयाजी कि आप ये म्यूज़िक जो उस्तादों का इतना बढ़िया म्यूज़िक आपके दरबार में है गेट इट रिटन डाउन इन स्टाफ लॉस्ट सो महाराजा कंसल्टेड द कॉग्निसेंटी देर वॉज अ बिग exactly 100 years earlier, in, 19, in 1916, there was the first ever international conference on classical music. and all the ustads said, we do not want written music, because the staff notations are based on a system which is not known to us, and which, in which our music does not fit. but eventually, staff notations grew. तो इसलिए देर हैव बीन सो मैनी रोलिंग्स ऑफ म्यूजिक जिसे हम रागदारी संगीत करके कान छूते हैं और कहते हैं ये हमारी परंपरा है हमको उस्ताद से मिला है दिस इज ऑल नॉन सेंस हैज़ ऑलवेज बीन इवॉल्विंग इवॉल्विंग म्यूजिक हैज़ बीन बिकॉज वी हैड इवोल्विंग हु कट अक्रॉस कास्ट एंड कम्यूनिटीज एंड हु केम फ्राम ऑल पार्ट्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ एंड दे दे डिवेलप्ड म्यूजिक एंड दे डिवेल्प्ड इट ऑन अ प्लेन विच कट अक्रॉस ऑल kinds ऑफ rigid hierarchies ऑफ languages, ऑफ castes, ऑफ क्लास और even सिंगिंग स्टाइल्स घराने जो बने वो तरह तरह के घराने इसी तरह बने कि भाई हम ऐसे गाते हैं हम ऐसे गाते हैं हम ऐसे गाते हैं हम ऐसे गाते हैं दिस इज दी एक्चुअल इंडियन कल्चर संकरण हर चीज़ मिलती है संक्रांति हमारे यहाँ इतनी खुशी से मनाई जाती है मकर संक्रांति फाल्गुन संक्रांति संक्रांति मीन्स कमिंग टूगेदर ऑफ़ टू सीजन्स कैंची दो नदियों का संगम इसीलिए पवित्र है क्योंकि कमिंग टुगेदर ऑफ़ टू रिवर्स वेर एवर थिंग्स कम टुगेदर वी इंडियन सेलिब्रेट इट एंड म्यूजिक इज़ नो एक्सेप्शन सो रागदारी संगीत इज कमिंग टुगेदर ऑफ़ म्यूजिक ऑफ द रिशेज म्यूजिक ऑफ द एबोरिजिन ट्राइब्स म्यूजिक ऑफ वेरियस फेथ्स म्यूजिक ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पीपल इवन लेटर ऑन फ्रॉम पर्शिया एंड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन कंट्रीज तब जाकर के ये रागदारी संगीत नाम की चीज़ बनी It gives us a huge bandwidth to work on. And this bandwidth is today being widened further by the new technology. Why do we then talk of music and dance as traditional, whereas we have set free the rest of the plastic arts? We have modern Indian painting, we have modern Indian archaeology, we have modern Indian systems of. Creating various works of art. But when we talk of dance and music, it's always, ki ustad ki guru nakaha. So we have to really rise out of this very limited notion which we have thrust from above on only two Indian art forms, which is music and dance. And they need it very badly because in music we have no written history nor bankable notations. Kuch बंदिशें मैंने अनुवाद की और उनको शुद्ध किया तो मैंने ये पाया कि मोस्ट ऑफ़ द बंदिशेज वर रिटन इन ब्रिज भाषा और अवधि और पुरेबिया एंड दे केम डाउन टू अस फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस नाउ दीज वर ट्रांसक्राइब ड्यूरिंग द नाइनटीन अर्ली सेंचुरी एट द बिहेस्ट ऑफ मैनी तवायफ्स एंड मैनी रिकॉर्डिंग कंपनीज बिकॉज दे नीडेड मटीरियल फॉर द जैकेट्स सो दीज वर देन Uh, transcribed and then these were put there. so we have very uh, small historical period in which things were being transcribed. now urdu is a language which does not have a lot of sounds or persian does not have a lot of sounds. then later on it was improvised by the fort william uh, school in which they introduced things like do chashmi he, gaf tal he,. te. दीज वर साउंड्स विच वर नॉट देयर तो इसलिए हमारी जो बंदिशें हैं वो भी पवित्र नहीं हैं हमारे जो स्वर हैं वो भी संकरित हैं हमारी जो रागदारी है वो भी संकरित है सब चीज़ मिली जुली है और खुशी से रह रही है इसलिए जो पवित्रीकरण का उत्साह मैं आजकल देख रही हूँ उससे हमको थोड़ा सा बचना चाहिए अब मैं विद्या से कहती हूँ कि उन्होंने जो ये बात की वो सही बात है कि आखिरकार घूम फिर करके जब कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या तो हाथ का कंगन तो वही गाना है जो कि भाइयों ने गा करके रिकॉर्ड किया है तो इसलिए हम फिर बात को घुमा फिरा के उनकी तरफ ले जाते हैं कि उनके क्या अनुभव हुए जब अचानक एक ऐसी रागदारी जो कि सिर्फ कोठों में या राजदरबारों में या बहुत करके मंदिरों में गाई जाती थी जब तवे पर चढ़ाई जाने लगी तो क्या अनुभव हुआ और मज़े की बात यह है कि विमेन वर द क्रुसेडर्स the ustads turned down the record companies and they said uh, one of the ustads even said that there was a picture of a dog on the gramophone label and he said ganda, uh, Galiz janwar hai, agar if the company has this dog on the logo i will not sing i don't want my notes to be uh, sounding from the mouth of a dog but the women were quick to seize the advantage so i now hand the mic to vidya to talk more about that

तो उसका पूरा जो एक उसका टेक्सचर ही बदल जाता है क्योंकि वो जब आते हैं उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि भी आप वहाँ जाइए और दुकान लगाइए आपने रिकॉर्ड्स बनाने और किसी तरह से इस संगीत को बेचना है तो ये जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर आते हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है वो चीज़ जो सुन रहे हैं उनको पहले तो पता लगाना पड़ता है कि किसको रिकॉर्ड किया जाए और कौन सा गाना है जो है वो बिकेगा इट्स वेरी इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई मार्केट सेटअप करना है तो ऐसी परिस्थिति में वैन यू रीड द मेमोआज ऑफ द रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स और मैं आप इजाजत दें तो एक छोटा सा आई वॉन्ट टू जस्ट रीड वन स्मॉल बिट दैट द फर्स्ट रिकॉर्डिंग इंजीनियर हु केम टू इंडिया थ्रू द ग्रामाफोन एंड टाइप राइटर कंपनी लिमिटेड वॉज जेंटलमैन कॉल फ्रेडरिक विलियम गेजबर्ग सो गेजबर्ग इन हिज मेमोज He says this about the first recording that he makes. So basically, despite the initial hurdles, the first recording with female artists from amarindra Datta's classic theater was held in a makeshift studio that's the other thing, Sti Domei studio in a makeshift studio in Calcutta's great, great Eastern hotel. I disapproved of their voices. And this is, co this is in court. He says, We made our first native records. Two little Notch girls, Shoshi and Fani Bala, aged 14 and 16, had miserable voices. I told them so, despite which they persisted. They covered their faces, but never got over the embarrassment that we tried to inspire in them and continued singing.

दिल्ली के आई में एक बार कुछ कॉन्सर्ट हुआ था तो एक जनाब आए उन्होंने मुझे दो कैसेट्स पकड़ाईं जिसके इनले पे उन्होंने हैंड राइट किया था मतलब कुछ 25-30 चीज़ें लिखी हुई थी उसमें और ज़्यादातर उसमें वही बंदिशें जो हैं हम जो सीखते हैं उस तरह की बंदिशें थी तो जब मैंने सुना दीज व वेरी वेरी बैड क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स एंड वेरी स्क्रैची वॉइस तो पर बंदिशें वही थी अरज सुनो दस्तगीर पीर मोरी पुरिया में जो है इस तरह की चीज़ें जो हम लोग सीखते हैं या गोकुलगाम का छोरा मुल्तानी में इस तरह की चीज़ें दीज आर रियली वन ऑफ़ द अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग्स एंड वैन आई सॉ दीज आई डेंट रिकोगगनाइज एनी ऑफ द नेम्स दैट्स वॉट इट वॉज नॉट इवन गौहर जान और इट वॉज नॉट इवन रसूलन बाई यू नो द नेम्स दैट वन हैज़ बीन लिसनिंग टू हाँ दुअन्नी जान हिंगन बाई उमदा जान कीटी जान मीरठ वाली इस तरह की जो इस तरह के जो नाम थे सो दैट्स वॉट रियली सेट मी ऑफ ऑन दिस जर्नी टू नो कि भाई नाम तो हैं पर नाम के पीछे क्या कहानियाँ हैं और आपको मैं ये बताती हूँ कि द इरा द बिगिनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी वेन अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हैड बीन स्टार्टेड बाय भातखंडे जी एंड पीपल लाइक दैट I believe that the gramophone era was a very very important aspect of the documentation of our musical tradition. बेशक वो तीन ही मिनट के होते थे उस समय 78 एट आर पी एम्स में लेकिन जैसे कि जोहरा भाई आगरेवाली ने जिस तरह की चीज़ें जिस तरह के ख्याल गाए हैं उन्होंने और जिस तरह से उसको पकड़ा है तीन मिनट में और उसके लिए जो उन्होंने खास तैयारी करी मतलब एक तो है कि चलो आप उस्तादों से सीख रहे हो आपकी अपनी तालीम है आप रियाज़ करते हो इसलिए आप बहुत खूबसूरत गाते हो लेकिन वो जो मशीन शुरुआती दौर में जिसमें इट वाज़ अ वैक्स हॉन आप उसमें अपना सर दे के गा रहे हैं तो इसलिए आपको एक हायर पिच में गाना पड़ रहा है जिसकी वजह से जब आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते हैं काफ़ी दर्दनाक होता है सुनने में वो हाई पिच स्क्रीची इट ऑज बिकॉज ऑफ़ द इडिकुसीक्नोलॉजी ऑफ द टेक्नोलॉजी और द क्रूडनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी एट दैट पॉइंट तो ऐसे एक एक्साइटिंग uh, नया बिज़नेस एंटरप्राइज़ जो है वो उस ऑन्टरप्रनशिप को महिलाओं ने जो कि एक तवायफी ट्रेडिशन से आई उन्होंने जिस तरह से उसको पकड़ा और उसको एक तरह से दे टुक ओवर इनिशियली एंड बिफोर आई गिव यू द माइक जस्ट वन थिंग द सेम मैन गेसबर्ग। अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अच्छा उस समय में कोई कोई मेल उस्ताद नहीं गा रहे थे क्या हालांकि 1905 की एक बहुत फिनोमिनल रिकॉर्डिंग है उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की uh, पर 1905 में अब्दुल करीम खान साहब की रिकॉर्डिंग है पर उसके अलावा प्यारा साहब जो गाते थे उनके लिए पूछा गया कि भाई इसको क्यों रिकॉर्ड किया आपने जब आप इतनी महिलाओं को रिकॉर्ड कर रहे हो सो द रिकॉर्डिंग इंजीनियर सेट दैट ही सेल्स बिकॉज ही साउंडस लाइक अ फीमेल तो ये जो एक बहुत ही uh, uh, क्या कहते हैं इसको कि इट वॉज सो सिग्निफिकेंट दैट वीमेन वर यू नो देप्रउ ऑफ दू नो ये इससे सीधे लता जी की कहानी जुड़ जाती है क्योंकि ये दौर इन औरतों ने निभाया जिनको कोठों से एक तरह से निकाल के लाया गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मोशन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बननी शुरू हुई तो गूँगी थी तो तब भी रिकॉर्ड चलते रहे लेकिन एक बार जब गाना शुरू हुआ फिल्मों में और आवाज़ आई तो सब अभिनेत्रियां तो अच्छा नहीं गा सकती थी मंटू ने नसीम बानो के लिए लिखा है कि हूर जैसा चेहरा था और आवाज़ बहुत ही करकश कोए कौवे जैसी थी ऐसे ही के बारे में लिखा है कि जद्दन की बेटी थी लेकिन गले में घुंघरू के बजाय कौवा बैठा हुआ था तो ऐसे लोगों के लिए एक बढ़िया परफेक्ट सुर वाली लड़की चाहिए थी अगेन सी दी एवरेज एज At एट विच वीमेन स्टार्टिड वर्किंग प्राइमेली टू अर्न मनी एंड टेक केयर ऑफ देर बहुत सुंदर बात uh, मनाल जी ने कही और विद्या जी ने uh, शुरुआत में अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का थर्टीज़ uh, और फोर्टीज़ का पूरा कैटलॉग देखें सिनेमा का तो जो एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्मों में काम कर रही हैं वो सब डेरे दारन थी जो बिल्कुल अपने को एक बहुत बड़ी तवायफ परंपरा और मुग़ल दरबार से जोड़ के देखती थी या उनकी सब uh, सारी शिष्याएँ थी सब तवायफों ने ही सिनेमा में शुरू में काम किया और अपने नाम बदल दिए। आप अगर पुराने फिल्मों के वो देखें उनके कास्टिंग्स देखें और उसका कैटलाग चेक करें तो एक तरीके का एक सेट पैटर्न पे नाम मिलेगा आपको मिस पर्ल, मिस बदामी मिस रोज़ मिस गुलाब मिस शैला सब के आगे मिस लगा हुआ मिस टोपाज़ और वो सब कोई वहीदन है तो कोई बिट्टन है तो कोई मुगन है उन सब ने अपने नाम बदले हुए हैं और वो नाम बदल के सिनेमा में गई हैं और फिर वहाँ पे एक तरह की डीलिंग भी है म्यूज़िक कंपनीज के साथ कि साहब हम आपको आपके लिए तो एक दो गाना हम गा देंगे लेकिन सिनेमा में भी उसमें के दादरे चले जाएंगे आप सहगल के अरा में देखें जितने सारे दादरे इस्तेमाल हुए हैं वो सब बाद में आज तक गाए जाते हैं उसको सिद्धेश्वरी जी ने भी गाया रसूलन भाई ने भी गाया है और आपको न्यूट के एल्बम में भी वो सारे मिल जाएंगे तो वो जो एक पूरा एक परंपरा है गुलाबाई का नदी नारे न जाओ शाम पहिया और वो जो उनका है रसूलन बाई का गो मधुकर शाम हमारे चोर तो चंडीगढ़ चंडीदास और सब फिल्मों में से निकाल के लाएं तो वो सारे वहाँ पे होते थे और एक बड़ी मजेदार बात है कि अवध में इन सारी तवायफों को जो खुद से कमाती थी और इंटरप्राइजिंग थी अपने लिए अपना पैसा कमा रही थी उनके लिए एक टर्म दे रखा था मालजादी जैसे राजकुमारियों के लिए शहजादी था टाइटल इनके लिए मालजादी इस्तेमाल होता था कि मतलब इन ये अपना पैसा खुद कमारी अपने गले से और वो एक पूरी एक परंपरा थी एक रवायत थी जो बाद में फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और जिसकी बहुत शुरुआत में खास करके अगर हम बॉलीवुड म्यूज़िक के कंटेक्स में बात करें तो नौशाद उसकी एक बड़ी नींव रखते हैं क्योंकि खुद उन्होंने स्वीकारा है कि मैंने सारे साजिंदों से निकाल निकाल के वो सारे ठेके और वो सारे दादरों का जो बोल है तड़प है वो सब फिल्मों में लता जी कहती थी कि जब मुझे कोई गाना नौशाद साहब देते थे कि ये गाना है तो मैं कहती थी कि पहले मुझे इसकी ओरिजिनल कजरी बता दो कौन सी है क्योंकि मुझे वो सुननी है क्योंकि आप निकाल के लाए हैं बनारस और लखनऊ का काम तो ऐसे होता था तमाम सारे बहुत मशहूर गाना है वो ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला अब अभी भी गाया जाता है गिरजा देवी गाते आपको अक्सर मिल जाएंगे आप यूट्यूब पे ढूंढें कि गंगा रेती पे बंगला छवा मोरे राजा आवे लहर जमुनी की अब इस एक ट्यून पे इतने सारे गाने बने हैं और उसको बिल्कुल शुरुआत में ला करके तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो आपने बात की कि कुछ भी प्योर नहीं है वो सब कुछ मिला हुआ है और एक तरीके से वो राग निर्मिति नहीं है वो भाव निर्मिति है कि वो कहीं कहीं का कुछ भाव है और एक गाना अगर आप पाँच मिनट का एक गाना सुने मुझे बहुत हैरानी हुई बैजू बावरा का एक गीत है दूर कोई गाए धुन ये सुनाए आपने सुना होगा तो जब मैं लता जी पे किताब लिख रहा था तो मैं उसको उस गाने में अटका हुआ था कहीं तो मुझे लगा कि इस गाने में तो हर चलन में चौथी लाइन में राग बदलता है और एक लाइन आती है मोरे आंगन लाज का पहरा और पाँव पड़ी जंजीर तो उसमें बसंत मुखारी अचानक से आ जाता है तो मैं चौंका मैंने कहा हो सकता है मेरे कान में कहीं गड़ रहा हो मैंने लता जी को फ़ोन किया मैंने कहा दीदी एक समस्या है बोली बोलो मैंने कहा ये दूर कोई गाय किस राग पे है तो बोले अरे अब तुम इतना पुराना पूछे हो गए सन बावन का हमको याद नहीं है अच्छा सुनो तुम एक हफ्ते बाद फ़ोन करना मैं अपने नोट्स देख लूँ ठीक है साहब मैंने आठ दिनों बाद फ़ोन किया बोली बताओ गाना कौन सा है तो मैंने कहा दूर कोई गाए तो उन्हें खोला अपने जो भी उनके नोट्स बने होंगे उसका उन्होंने सारे अपने जो उनके गाने थे उसको सब कंपाइल करके रखा हुआ तो बोली कि शमशाद बाई तो ये गा रही हैं उसमें ऐसे भैर भी बदल जा रही है और हाँ मैं जब आती हूँ तो बसंत बुखारी में पहली लाइन उठती है तो मैंने कहा ये क्या होता था तो बोले कि वो नौशाद साहब थे वो कहते थे कि हमको माल बेचना है हमको धुन बेचनी है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राग की सूरत बिगड़ रही है बदल रही है हमारा तीन मिनट का गाना जो है वो बजना चाहिए रेडियो पर तो वो जो एक जो कनेक्शन बनता है ना कि आप क्या चीज़ पब्लिक कर रहे हैं तो और सब चीज़ों के बाद यतिंद्र मैंने ये पाया है अपने सत्तर साल के करियर में कि गाना मधुर होना चाहिए जो एक आम आदमी को जाके ठग से लगे तो ये जो ठग से लगने का मामला है कि आप सुनते हैं और आप झूमने लगते हैं तो उसमें राग भी बह रहा है उसमें दुनिया की परंपराएं भी हैं और उसमें कुछ भी कुछ प्योर का भी अगर दर्शन होता है कुछ अगर तो एक बिल्कुल एक वर्जित स्वर की तरह आता है और वो और सुंदर लगने लगता है तो ये सारी परंपरा जो है वो कहीं ना कहीं से उस पुराने ट्रेडिशन का ही एक अपना एक विस्तार है जो हम आज देखते हैं और एक बात मुझे और ख़ास लगती है खास करके शास्त्रीय संगीत में कि डेढ़ घंटे का ख्याल पूरी स्थापना ही हो रही है ध्रुपद हो रहा है गायना हो रहा है लेकिन 78 एट आर में अगर आपको कैद होना है तो फिर तीन मिनट में आपको काम ख़त्म करना है हम लोगों को कई बार दिक्कत होती है लिटरेचर फेस्टिवल में आप बैठे हैं कविता पढ़नी है चार लोगों का पैनल है आपको हम सात मिनट दे रहे हैं अब आपको ये देखना है कि सात मिनट में कौन सी कविता ठीक से आपको हम समझा दें तो अगर सात मिनट वाली कविता ढूंढी जाती है कि अपने डायरी में से निकालो भाई या कुछ लोग बहुत वीर होते हैं तो वो लिख लेते हैं कि हर जगह खप जाएँ उस तरह से तो ये जो एक संगीत का मामला है कि जिन लोगों ने उस समय अकलमंदी की मुझे लगता है एक ही थी वो पूरा राग दर्शना ही बदल दी केसर बाई केरकर से सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता कि तीन तीन मिनट का आपको कोमल ऋषभ आसावरी देखिए आप उनका मालकाउंस देखिए उनका पटदीप देखिए गाना शुरू नहीं हुआ वो पूरा राग दर्शन हो गया आपको तीन मिनट तक आप जाइए और आप थोड़ा सा अगर मैं अतिरंजित करूँ थोड़ा सा फिल्म संगीत में चले आइए जब कुछ अच्छे प्योर गाने बने हैं तो आपको तीन मिनट में वो सारा आस्वाद मिल जाता है आपको भीमपलासी अच्छी ढूंढनी है आपको सिनेमा में भी मिल जाएगी वो अलग बात है मीता बैठी हुई है सामने हो सकता है <laughs> इतफाक न रखें लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि रागदारी करते हुए जब गाना बनता है तो आप फिल्म संगीत की रागदारी को शास्त्रीय संगीत की रागदारी के भी समकक्ष देख सकते हैं और एक सबसे चुनौती की बात जो लता जी ने मुझसे कही उन्होंने कहा बेटा एक बड़ी दिक्कत यह है कि हमने गाना गा दिया हमने बसंत में गा दिया हमने बहार में गा दिया जब तक गाया नहीं था तब तक उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकता था जिस दिन गा दिया जिस टोन में गा दिया जहाँ से स्वराघात हुआ वो फिक्स है अब हमें साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें कंसर्ट गाना है जाके तो ख्याल गायिका के पास ये छूट है कि उसने उससे बेहतर मालकाउंस कर दिया हमने मालकाउंस में अगर एक गाना गाया है तो अगर हमने थोड़ा वहाँ स्वर स्वराघात ठीक नहीं रखा है तो पब्लिक के दिमाग में ये है कि ये तो गाना ऐसे ही था तो हमें वैसे ही उसको मिमिक करना पड़ता है हम उसको चाह के भी सुंदर मालकॉन्स नहीं बना सकते जो एक इस्टैब्लिश्ड मालकॉन्स हो गया है या इस्टैब्लिश भीम पलासी नैनो में बदरा छाए अगर है तो आपको नैनो में बदरा छाए वैसा ही चाहिए जैसा सन छाछठ में रिकॉर्ड हो चुका है फिर दो में उसमें कोई भी अतिरंजना नहीं हो सकती तो ये मज़ेदार बात है कि जब हम जैसे यतीन्द्र मैं दोनों ऐसे घरानों से आते हैं जहाँ पर कई पीढ़ियों से म्यूजिक सुना और उसके बारे में बातचीत की जाती रही है बच्चों से भी बातचीत की जाती रही है उसकी बाबत तो हमारे जो मेरे जो नाना के समय में जो गायकी थी पक्की गायकी जिसे कहते थे स्ट्रॉन्ग गायकी वो ध्रुपद थी और जो बड़े बड़े गायक थे वो सब ध्रुपद शैली में गाते थे और आपके बाबा के टाइम में भी वही होगा कि ध्रुपद और उन लोगों को रागदारी संगीत थोड़ा हल्का लगता था करने वाली क्या बर्दाश्त ताने गाते हैं ए करते हैं घोड़े की तरह ही नहनाते हैं ध्रुपद का चलन देखो कैसा धीर गंभीर है चलिए साहब कुछ दिन के बाद रागदारी छा गई फिर मतलब हमारे यहाँ एक कुछ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ज़रूर चाहिए तो जब रागदारी छा गई उसके बाद यतीन ने अपनी किताब बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि बाबू हरिश्चंद्र के टाइम तक आते आते जब गाने आती थी एक दो गाने वालियों ने एक्सपेरिमेंट किया कि रागदारी के चैन भरे आलाप वगैरह के बाद में एक छोटी सी ठुमरिया कजरी मह, महा मिर्ज़ापुर की कजरी गा दी और वो छा गई क्योंकि आखिरी जो गाए वही लोग गुनगुनाते हुए महफिल से उठते थे तो नृपगन लाज छोड़ी मुखन धार लई कजरी बाबू हरिश्चंद्र ने लिखा कि राजाओं ने भी अपनी लोग लाज छोड़ी और कहा कि मुँह में तो विराजती है कजरी सो so, हमारी माओ के ज़माने तक कजरी या ठुमरी या चैती ये सब सेमी क्लासिकल थे इनको क्लासिकल म्यूज़िक नहीं कहता था अब मैं देखती हूँ अक्सर लिस्टिंग तो होती है कि ठुमरी क्लासिकल म्यूज़िक समारोह ठुमरी एज़ सेंट्रल पॉइंट अब जो ठुमरी वाले हैं वो मुंह बिचकाते हैं कि ये क्या डाउनलोडेड म्यूज़िक पॉप म्यूज़िक है ये जो डिजिटाइज्ड म्यूज़िक है इसकी जो नए प्रकार फ्यूजन म्यूज़िक है तो है समय के साथ चलन के साथ बदल रहा है सब सब कुछ बदल रहा है वो फ्यूजन म्यूजिक भी बदलेगा विद्या यू माइट लाइक टू से समथिंग अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द म्यूजिक यू नो अशोक डॉक्टर अशोक राना डे इट वेरी वेरी ही सेट संगीत जो समाज से जुड़ा हुआ है ना म्यूजिक इज कनेक्टेड टू द सोशल फेब्रिक ऑफ सोसाइटी तो जो बदलाव समाज में आएगा उसके साथ साथ संगीत में भी बदलाव तो आना ही है सो इज नो वंडर अबाउट इट एक्चुअली

क्लासिकल म्यूज़िक या शास्त्रीय संगीत को मतलब एक स्पेशल खाने में रख दिया गया है जिसको कुछ ही लोग समझ सकते हैं जिसको कुछ ही लोग गा सकते हैं जिसको पर ये तो हमेशा उसकी तासीर रही है इट हैज़ ऑलवेज बीन नीश इसमें तो कोई है इट्स नॉट पॉपुलर म्यूजिक इट्स नॉट कॉल्ड पॉपुलर म्यूजिक इट्स कॉल्ड क्लासिकल म्यूज़िक सो इट हैज़ इट्स सर्टन मतलब उसमें जो बढ़त की गुंजाइश है जो उसमें एक इतमान की गुंजाइश है उसकी अपनी खूबसूरती है लेकिन इट इज वॉन्ट फिनिश माई पॉइंट ऑन दी अदर हैंड जब आप राग बेस फिल्म सॉन्ग भी गा रहे हैं या बगैर राग बेस ना भी हो कुछ वेस्टर्न इंफ्लुंस uh, हो या जो भी हो उसका अप्रोच ही अलग है तो अब आप कोई क्लासिकल म्यूजिशियन फिल्म सॉन्ग आए ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो इतना फिक्स्ड होता है इतना स्ट्रक्चर्ड होता है सो बोथ वेज आई फील देर इज अ चैलेंज विच शुड बी एक्सेप्टेड यू नो इट डज़ नॉट हैव टू बी कि भाई ये पक्का गाना है तो ये सबसे प्योर है और उस फिल्म गाना फिल्म का गाना है तो दैट्स मोर एंटरटेनिंग इस तरह के जो एक हमारे माइंड में हमने स्लॉट्स बना दिए हैं दैट अफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स द वे ऑडियंस परसीव म्यूजिक बात मैंने कही थी कि हमने प्लास्टिक आर्ट्स को मुक्त कर दिया है उसमें मॉडर्न इंडियन आर्ट और मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर नाम की विधाएं विकसित हो गई हैं तो अब ये समय आ गया है लेकिन एक चीज़ का जो विद्या ने अच्छा किया इसको रेखांकित किया कि हमारे यहाँ दो शब्द हैं प्रतिभा और व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति इज द फ्रेमवर्क विद इन विच अ सर्टन आर्ट फॉर्म मे बी डेवलप्ड इट्स इलास्टिक बट इट इज़ देय जैसे हर नोट स्वर नहीं होता है स्वर वही है जो विराजता है तो इसीलिए प्रतिभा अपनी जगह है प्रतिभा इज द कारित्री, द द वन दैट सेट्स थिंग्स इन टू मोशन बट व्युत्पत्ति इज देर लाइक अ मदर कीपिंग एन आई दैट देर शुड नॉट बी ट्रांसग्रेशन जिसमें रस हानि हो द फाइनल आर्बिटर इज क्या इसमें रस है कि रस नहीं है अगर नीरस है तो अच्छे से अच्छा पक्का गाना भी बेकार है और अगर रसमय है तो छोटे से छोटा तीन मिनट या डेढ़ मिनट का गाना भी है तो यथेंद्र मैं सबसे मतलब तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं अपनी जगह विद्या जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कभी ये खांचा समाज ने नहीं किया कि ये पक्का गाना है और ये बड़ा भारी भरकम है और इससे थोड़ा दूर रहना या हमें कम समझ में आता ये सारी इन सारी चीज़ों के पीछे मार्केट था बाजार एक ऐसी एक पहले थोड़ा शाइस्तगी से बाज़ार था अब फूहर ढंग से मार्केट है अब आप बिल्कुल आपके कोई कंसर्ट होती है कोई बड़ा शो होता है अब राइटिंग में भी अब आप, आपकी पोइट्री रिजिटेशन है कुछ है स्पॉन्सर्ड को स्पॉन्सर्ड बाय दिस वी आर प्रेजेंटिंग दिस एंड दैट पता चला जो मेन कलाकार उसका नाम गायब है और जो लोगो है वो बड़ा सा सामने आपको दिखाई पड़ता है और ये आप इसके अभ्यस्त हो चले संगीत में शुरू से जब बाजार आया तो शास्त्रीय संगीत और पॉपुलर संगीत का जो मार्केट बनी या जो उसमें एक डाइवर्जन हुआ वो उसने किया है आज भी एक अच्छा संगीत सुनते हुए अभी यहाँ पर कोई एक बहुत सुंदर दादरा गाए और एक फिल्मी गाना भी गाए दोनों को बराबर से अप्लाज मिलने वाला है ऐसा बिल्कुल नहीं और हो सकता है दादरा बाजी मार ले जाए फिल्म सॉन्ग पीछे रह जाए क्योंकि फिल्म सॉन्ग की वो जो मैंने आपने कहा ना कि वो बिल्कुल एक स्टैटिक मामला है वो फिक्स्ड है उसका पैराफ्रेजिंग फिर आप उसको तोड़ मरोड़ के कर नहीं सकते आप इनोवेटिव प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन अगर लता सिंग्स आ, वो मदन मोहन तो फिर वो आदमी इस कंडीशनिंग के साथ बैठेगा कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा वैसे ही गाया जाए जैसे गाया गया है वो उसमें आप क्या करेंगे लेकिन आप कुमार गंधर्व को सुने आप भीमसेन जोशी को सुने आप विद्याशाह को सुने आप मीता पंडित को सुने तो मैं ही इनसे कहता हूँ कि आपने वो जौनपुरी वहाँ बहुत अच्छी गाई थी इन्होंने सब जगह अच्छी गाई थी लेकिन अब वो सुनने वाले का कान है कि उसको कब कहाँ कौन सी चीज़ आहलाद में ले जाती है और ये आप भी जानती हैं कि ये जो बाजार है वो आपको कहीं ना कहीं से घेरता जरूर है और अब अगर उसके आप उससे बाहर हैं अभी तमाम ऐसे समाज छोटे छोटे शहरों में लोग हैं जो संगीत साधना कर रहे हैं जिनके रिकॉर्ड्स नहीं है जो यूट्यूब पर नहीं है जिनको कोई प्लेटफॉर्म देने वाला नहीं है लेकिन उनसे भी म्यूजिशंस लेके जाते हैं और कुछ कुछ करते हैं सिनेमा में बहुत कुछ होता है और बहुत सारे उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं एक न्यू टेक्नोलॉजीज पे आपने मुझे सवाल किया था उस पर थोड़ा सा इसमें देर आर टू थिंग्स विच आई वॉन्ट टू से एक तो ये कि टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ एक्सेस पॉसिबल क्योंकि आज आप अपने फोन पर भी रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सऐप कर सकते हो उससे क्या होता है कि आप मतलब हज़ारों लोग नहीं तो कम से कम एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल तक तो अपनी अपनी आवाज़ अपना जो भी है uh, सुना सकते हैं लोगों को सो दैट आई थिंक इज़ अ गुड थिंग टू हैपन फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट बट टू अंडरस्टैंड इट इज़ अनदर स्किल दैट अ लॉट ऑफ़ आर्टिस्ट टू लर्न कि भाई इसको क्या किया जा सकता है आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं उसमें आप अपना ट्रैक चढ़ा सकते हैं वगैरह वगैरह इसमें तेरा बट द अदर थिंग दैट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ म्यूजिक आल्सो इवॉल्व जॉनर्स आल्सो चेंज परसेप्शन ऑफ जॉन अब ठुमरी दादरा जो है वो उपशास्त्रीय से अब शास्त्रीय हो गया है इस तरह की जो चेंजेस हैं इसमें जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ का एक रिस्क जो मुझे लगता है वो ये है कि बिकॉज इट अलाउज़ यू टू एक्सपेरिमेंट बट एक्सपेरिमेंटेशन में जब ग्रामर नहीं होता है ना जब व्याकरण नहीं होता है तब गड़बड़ होती है फिर उसमें फिर यू नो आप ट्रायल एंड एरर ज़्यादा चलता है इसी इसी की वजह से मुझे लगता है कि अक्सर उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को तकलीफ़ होती है दे डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट इट हाउ टू अब्ज़ॉर्ब इट क्योंकि वो क्या है वो समझना भी ज़रूरी है और वो क्या है समझ में ही नहीं आता है तो दिस कन्फ्यूजन दैट टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अब आप देखिए एटलीस्ट इन माई जनरेशन आई मीन यू नो वॉट एवर अबव अब मुझे डी जे कवाली बहुत तकलीफ़ होती है सुन के वो कवाली ऑन अ डी जे फ्लोर इज वेरी यू सी फुल पेज एड्स इन न्यूज पेपर्स बट मे बी यंग पीपल आर लविंग इट हो सकता है दज अ बिग ऑडियंस फॉर इट मे बी आई एम अफेक्टेड बाई इट बिकॉज आई नो वॉट कवाली स्टैंड फॉर बट दैट्स माई ओन सॉर्ट ऑफ माइंड सेट एंड नो प्रॉब्लम विद इट तो ये जो शिफ्ट आ रहे हैं आई थिंक इट ओनली टाइम विल टेल वॉट विल लास्ट एंड वट विल हैव अफ लाइफ विच क्लासिकल म्यूजिक हैज़ सर्वाइव सेंचुरीज

ध्यान दे के सुन ही लेना चाहिए क्योंकि कई बार बड़े नायाब मोती हाथ में लग जाते हैं तो ये दोनों तो बुढ़े नहीं है अलबत्ता मैं जरूर बुढ़ी हूँ लेकिन आप ध्यान दे के सुनेंगे तो कुछ चीजें आपको उथल पुथल मन में जरूर मचाएंगी जिन पर आप लोग आगे जाकर के भी सोचिए अब अगर कोई सवाल है तो मेरे ख्याल पंद्रह मिनट और कहना चाहता हूँ जोड़ना चाहता था जो विद्या जी ने कहा ये ये तकलीफ होती है कि आप करते हैं तो आप आप कंडीशन हैं कि ये ऐसा ही मुझे दिखना है या ऐसा मुझे चाहिए लेकिन मैं एक बेटाफर से इसका जवाब दूँगा आपको भक्ति काल एक उदाहरण है हमारे हिंदी साहित्य का भक्ति काल में उस समय हजारों संत कवि और निर्गुणिय थे साइफन हो के कितने लोग बचे हैं सूर कबीर तुलसी मीरा हम चार का नाम लेते हैं फिर पाँचवें में सोचते हैं एक मिनट के लिए अटकते हैं फिर दादू नानक पीपा दरिया एक दर्जन नामों के बाद बड़े से बड़ा पढ़ाकू बड़े से बड़ा लिखाड़ जल्दी से याद नहीं कर सकता है एक संत और नर्गुनिया को जबकि वो पूरा अरा हज़ारों कवियों का था मुझे लगता है शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत में भी यही होने वाला है कि वो हजारों लोगों में से निकल के कुछ दर्जन भर लोग बचने वाले हैं और वही बचेंगे वही बात तक याद किया जाएगा जी आप सवाल लेते हैं जेंटलमैन इन द फ्रंट को लेकर मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटा सा आप अपने सवाल दुण मेरा दुण सिर्फ छोटा सा है कि मार्केट फोर्सेस के बावजूद भी पिक्चरों में नया ऑडियंस आ रहा है जो नए शास्त्रीय संगीत को भी एक्सेप्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल रशीद खान पिक्चर क्या थी मैं नाम नहीं जानता आओगे मतलब ये कि कि बता दीजिए किसको जवाब देना है मुझे समय आ, कोई जवाब दे दे आप तीनों जतिन तो जी मुझे सिर्फ ये कहना है कि आपको नहीं लगता कि लेटली कुछ सालों से शास्त्रीय संगीत भी हिंदी पिक्चरों में काफी पॉपुलर हो रहा है खासकर मैं रशीद खां का आओगे साजन बालमा अंगना खिलेंगे। जी जी so, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं सर आ, ये कोई नई बात नहीं है शास्त्रीय संगीत सिनेमा में बहुत सालों से है सिनेमा के शुरुआत के साथ ही है और जब उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान साहब को गवाना था तो बायदा क्यासिफ़ ने उनसे मनुहार करके उस जमाने में उनको पच्चीस हजार रुपये दिए थे जिस जमाने में बड़े गायकों को दो सौ रुपए पर सॉन्ग मिलता था और आमिर खान साहब ने गाया है और उसमें म्यूजिक में, में उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खान रईस खान विलायत खान अल्लाह रखा खान सब लोगों ने बजाया है सब ने प्रकशन एक, बात, एक किया बात और भी है जी सिनेमा में जो फिल्मों में जो कुछ शास्त्रीय संगीत टाइप के जो गाने हैं जैसे मोहे पनघट पे ये तो चीज़ें पहले भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं विच वर अडेप्ट Into cinema तो so, classical folk ये सब तो हमेशा आना होता ही है and it should be there that kind of an osmosis धन्यवाद मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है पर संगीत के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बचपन से ही मैं गाने सुनता आया हूँ और बहुत नहीं मैं बता रहा हूँ कि संगीत दिल से सुना जाता है हाँ मैंने सुराना स्मृति में सुना है बिस्मिल्ला खान साहब को भी सुना है भीमसेन जोशी जी को सुना है और आज भी जैसे सुबह सुना था राग रागिनी कुछ भी नहीं आती है पर जो धुन होती है बोल होती है बहुत अच्छे लगते हैं और यही बहुत धन्यवाद मेरा सवाल ये है कि नई पीढ़ी को नई जनरेशन को आप संगीत की बारीकियाँ और उसकी पूरी गहराई को समझने के लिए किसको अपना गुरु बनाना पड़ेगा इंटरनेट को शिक्षकों को परिचितों को किसे मेरे ख्याल में आप एक बहुत लकी टाइम में रह रहे हैं क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास है ना? आप सीखना चाहें तो जरूर सीखिए वरना सिर्फ समझना चाहें तो भी अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं इट्स एवरी थिंग आई मीन गूगल महाराज हैं आपके पास कुछ भी आपको चाहिए आप उसमें नाम टाइप करिए आप जॉनर टाइप करिए गाना टाइप करिए फिफ्टीज़ के फिल्म सॉन्ग्स बेस्ड ऑन राग ऐसा कुछ बहुत ही न्यू आंस्ड होगा वो भी आपको जवाब मिल जाएगा तो आई थिंक इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी हैपनिंग टाइम फॉर यंग पीपल और आप जैसा चाहें टेलीविजन आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू कैन यू नो एक्चुअली लर्न आउट ऑफ टेलीविजन स्पेशली इन द कॉन्टेक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक मेरे ख्याल में मुश्किल ही है इज नो चैनल विच शोज क्लासिकल म्यूजिक माई क्वेश्चन टू यू विद्या जी विद्या जी वॉज लिस्टुलीमर हर्ड डू यू थिंक दैट There was a special market which sprung up for these women at that time, and that's why they stepped into this, or uh, they were like, you know they were forced or instigated by these recording companies. Do you have anything, any literature on that? See, as far as my uh, research is concerned, uh, I, can't, I can't claim it's the most exhaustive research. but as far as my research is concerned, there was actually a Talent Search किन को रिकॉर्ड करना चाहिए और उसमें जो महिलाएं सामने आई जिनको बाई जी कहते हैं उस पूरे कम्युनिटी को जिन्होंने ज़्यादातर जो ग्रामाफोन पे जिनको रिकॉर्ड किया गया उनमें जिनको रिकॉर्ड किया गया वो ऑलरेडी कहीं कहीं गा रही थी उनकी महफिलें सजती थी और लोग उनका नाम जानते थे सो एज़ फार एज़ आई हैव रेड नो बडी वॉज फोर्स्ड और इंस्टिगेटेड इन टू द रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री दे मे हैव बीन फोर्स्ड इन टू द सिंगिंग प्रोफेशन दैट्स अ डिफरेंट मैट मैं उस शहर से आता हूँ जिसमें 24 घंटे संगीत जो है शास्त्रीय संगीत होता रहता है वो है अमृतसर मैं अमृतसर से आया हूँ बी एम सिंह मेरा नाम है और मैं भी म्यूज़िक का काशन है मुझे और मैं 24 घंटे में 26 घंटे म्यूज़िक सुनता हूँ उसमें पाँच घंटे पाँच घंटे छः घंटे गाता भी हूँ अभी गाऊँगा नहीं लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा म्यूज़िक के बारे में जो कि आप सुन के बड़े हैरान भी होंगे कि मेरी शादी को पचास साल हो गए मेरी वाइफ को जब शादी हुई थी तो शी वॉज ए डड इन म्यूजिक बिल्कुल कुछ नहीं म्यूजिक का पता था ये पता था कि मेल वॉयस है फीमेल वॉयस है आज के दिन में उसको पता है कि बेगम अख्तर कौन है और मैंने भी भी तो कौन गाँ बस ठीक है आपको बहुत बधाई पचासवें वर्ष नहीं सवाल सवालों के लिए समय है स्ट्रिक्टली मृणाल जी अभी आपने कहा कि संगीत स्वयं की साधना से आता है घरानों से या उस्तादों से नहीं और आपने ये तक भी कहा कि जो लोग कान का हाथ लगा के बात अपने उस्तादों के नाम लेते हैं वो संगीत की बात नहीं है बल्कि उनकी अपनी साधना को जो उनको प्रेरणा देने के लिए उनसे मिली उसको नमन है तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या घराने से जो आने वाला संगीत है वो संगीत नहीं है आप बहुत सरलीकरण कर रहे हैं बात का मेरा ये कहना था कि जब कोई भी चीज़ चल निकलती है तो कई लोग उसका नाटक भी करने लगते हैं कई लोग उसको सचमुच में करते हैं आज जिनको मैं देखती हूँ कम से कम 80 प्रतिशत लोग जो कान छू कर के और देवी का पट्टा सिर में बात के ये सब करते हैं ये नाटक है मुश्किल से 20 प्रतिशत लोग हैं जो सचमुच में गुरु के प्रति गहन श्रद्धा भाव और संगीत में आस्था रखते हैं उनके लिए मेरे मन में बहुत सराहना और आदर है लेकिन जो नाटक करते हैं उनके लिए मैं भर्सना करती हूँ संगीत सीखने के लिए जन्मजात प्रतिभा आवश्यक है या कोई व्यक्ति संगीत सीख सकता है दूसरा प्रश्न आयु का भी इसमें इफेक्ट है। दोनों दोनों बहुत महान प्रश्न है आपका आ, संगीत सीखने के लिए जन्मजात प्रतिभा आ, ये कैसे तय होगा अगर मेरे अंदर ये भाव है कि मुझे संगीत सीखना है और मैं सुरीला नहीं हूँ तो मैं अगर अच्छे स्कूल अच्छे घराने अच्छे गुरु के पास जाऊँगा तो शायद मेरे अंदर वो संस्कार पैदा कर दे कि मैं अपने अभ्यास से अपने लगन से अपनी साधना से और संगीत के प्रति अपने जुनून से कुछ सुरीला हो जाऊँ ये जरूरी नहीं है कि मैं उस्ताद बन जाऊं या मैं बहुत बड़ा इतना बड़ा गायक हो जाऊं कि उसकी तुलना दूसरों से होने लगे लेकिन कोई भी चीज़ बिना टैलेंट रहते हुए उसमें गहरी आस्था रखते हुए सीखी जा सकती एक चीज़ उसमें यह भी मैं कहना चाहूँगी क्योंकि ज़रूर कहिए ज़रूर कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि इच्छा बहुत हो लेकिन प्रतिभा नहीं हो ऐसा हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल में शुरुआती दौर में कम से कम ये अपने आप से पूछना जरूरी होता है सवाल कि आप क्यों सीख रहे हैं संगीत क्योंकि ये हो सकता है कि आप अपने घर में ही बैठ के अपना तानपुरा लगा के या अपना हारमोनियम लेकर रियाज करें उसमें भी बहुत मजा आता है तो ये तय करना जरूरी होता है। um, as you, some of you have said quite Uh, correctly, the Indian classical music is not necessarily classical, and you can um, easily, um, you know, beautifully do whatever you like within the grammar. Is it that by the fact that we keep calling it classical music, whereas it is modern and can be modern, is it frightening the young kids out? Because they say, oh, we don't want anything classical. And the second thing is, people are afraid I'll have to do it this way. And uh, will it be better for Indian classical music if it was no longer called classical music? I think you're right. Sometimes the word classical is rather off putting, particularly for the young. हु कनेक्ट एनीथिंग क्लासिकल फ्राम लैटिन टू संस्कृत टू ग्रामर एज बींग समट एंड नीरस विच इज़ नॉट सो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जो परम्परा परम्परा हम चिल्लाते हैं सिर्फ संगीत और नृत्य को हमने बांध दिया है परम्परा में बाकी को मुक्त कर दिया है संगीत और नृत्य को भी मुक्त कीजिए तब उसके लिए बच्चों में उपज तो इसलिए हो सकता है कि जो संगीत शिक्षा आज हम दे रहे हैं उस पर भी दोबारा सोचने की ज़रूरत हो कि कैसे हम बच्चों को वो सिखाएं कि उनको सरस लगे आनंद आए तब फिर वो उसमें सचमुच में आगे जा कर के चमक सकते हैं एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी जो आपने कहा कि अगर स्वर अच्छा ना हो तो क्या कोई सीख सकता है हाँ ये संभव है आगरा घराने के खुदाबख्श साहब थे उनका गला संगीतकारों के परिवार से थे पर गला इतना ख़राब था कि उनके घर के लोग उनको घग्गे खुदाबख्श कहते थे उनको उनके बाप ने ग्वालियर भेजा और ग्वालियर वालों को इस बात का क्रेडिट है कि उन्होंने उनके हीरे को पहचाना क्योंकि बाप ने देख लिया था कि बेटे में प्रतिभा है सिर्फ गले में कुछ ख़राबी है उन्होंने उनको कंठ की एक्सरसाइज़ करा के फिर से सिखाया और घग्गे खुदाब्श बहुत मशहूर गायक बने तो इसलिए जिनको आवाज़ ख़राब होने का डर है वो डर निकाल दें आस्था पर और अच्छे गुरु पर ध्यान लगाएं Hi, um, I'm doing some research on uh, courtesans, and you spoke so well about some of the early ones. I just wanted to ask a question. Uh, in my research, I can't seem to find a reason why they are being associated to, be in to invite a courtesan to an event is seen as auspicious when the courtesan themselves are seen as inauspicious. Could you please share some insight into that? Um. Actually, the courtesan community was not considered inauspicious. They were considered as a different community of entertainers, and to invite uh, Tawaf to, to do a special performance was uh, not merely uh, a thing of entertainment. It was also, a, you know, it was also a status symbol, because these women were uh, they, they commanded a lot of elah presence. Uh, they were also powerful in their own ways and so to have a famous woman like a goharjan come into a mehfil meant that you must be a somebody that she agreed to come and sing so there was a whole social dynamic uh, connected to this and uh, i would just like to uh, reiterate that it was not an inauspicious inusp community as much as they were seen as considered women Uh, we would now like to thank our esteemed panel, Mirnal Pandey, Yatindra Mishra, and Divya Shah, for an enlightening session, which was presented to us by Red FM. I request you all to please take any litter if you may have dropped it in the hall, and let's keep Digi Palace as.